मुझे कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं, लेकिन जब 700 लोग मर गए तब भी दिल्ली से एक चिट्ठी संवेदना की कहीं नहीं गई। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री उसके प्रति संवेदना भेजते हैं। यह बयान भाजपा के धुर विरोधी पार्टियों के किसी टीवी प्रवक्ता की तो कतई नहीं, नहीं ये बयान पूर्व सांसद राहुल गांधी के हैं। यह बयान है भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के पूर्व गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक के, जिन्होंने द वायर को दिए एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करप्शन से कोई खास परहेज नहीं है। द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह व भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर में चल रही अव्यवस्था पर धड़ाधड़ खुलासे कर दिए, जिससे भाजपा सत्ते में आई और कल यानी 22 अप्रैल को उनकी तथाकथित गिरफ्तारी हो गई। ऐसा कहा जा रहा है, क्या वाकई पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करने की वजह से जांच एजेंसी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को समन भेज दिया है? क्या है आखिर सत्यपाल मलिक की असली सच्चाई? कैसा रहा है अब तक का उनका सियासी सफर? यह सब कुछ बताएंगे, इनसाइडर भी बताएंगे आपको आज के इस खास वीडियो में। लेकिन इससे पहले मेरे प्रणाम को स्वीकारोक्ति दीजिए। मेरा नाम है आकाश आनंद और इंतहाई अदब के साथ स्वागत करते हैं हम आप सबका आपके हमारे अपने चैनल द फोर्थ पिलर पर। वीडियो आगे देखने से पहले गुजारिश है कि इस मृग छौने अदने से पत्रकार के पते को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी पर आते हैं। 14 अप्रैल 2023 यानी आज से ठीक 8 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने द वायर को कुल 1 घंटे 9 मिनट 27 सेकंड का एक इंटरव्यू दिया। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू देश के प्रतिष्ठित नामचीन पत्रकार करण थापर ने लिया था। पत्रकार ने सत्यपाल मलिक के सामने कई संवेदनशील मसलों पर सवालों की झड़ी लगाई, बगैर यह उम्मीद किए कि भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता के पीएम मोदी पर किए गए खुलासे से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सख्ते में आ जाएगी। बात साल 2021 के अक्टूबर महीने की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने तब दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल निपटाने के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जिनमें से एक फाइल संघ के किसी बड़े नेता की थी। मलिक के इस दावे के बाद सीबीआई ने इस 300 करोड़ ऑफर मामले में केस दर्ज कर इसी साल अप्रैल महीने में 14 जगहों पर तलाशी शुरू कर दी। साथ ही सीबीआई ने अंबानी के रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के भी खिलाफ मामले दर्ज किए। 300 करोड़ के ऑफर की बात सत्यपाल मलिक ने तब कही थी जब वे कश्मीर के गवर्नर थे। अब बीते 7 दिन पहले सत्यपाल मलिक ने द वायर को इंटरव्यू दिया, जिसमें प्रधानमंत्री उनके कामकाज करप्शन पर प्रधानमंत्री मोदी के रवैये पर कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए भाजपा पर मलिक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू की चर्चा टीवी चैनलों के प्राइम टाइम बहस का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद सत्यपाल मलिक के बयान ने भाजपा को घेरने के लिए विरोधियों को मजबूत हथियार दे दिए हैं। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद से ही इस बात की खासा उम्मीद थी कि मलिक के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई होगी। 300 करोड़ रुपए ऑफर वाले मामले में सीबीआई ने इंटरव्यू के 8 दिन बाद पूछताछ के लिए इसी 21 अप्रैल को समन कर सत्यपाल मलिक को बुलावा भेजा था। समन के इस खबर के फैलते ही सत्यपाल मलिक के समर्थन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसान और खाप नेता मलिक के घर पर उनका समर्थन करने पहुंचने लगे। मलिक ने अपने समर्थकों के लिए घर के सामने वाले पार्क में टेंट लगवाया और वहीं खाने के इंतजाम भी कर दिए। पार्क में भीड़ जमा होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा लोगों को पार्क खाली करने को कहा गया। इस मामले में उनके 24 समर्थकों को पार्क से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। अब ये मामला तूल पकड़ चुका था। 22 अप्रैल के ही दिन यानी कल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिन के करीब 12:30 बजे अपने 20 समर्थकों के साथ आरकेपुरम थाने पहुंच गए और वहां 2 घंटे तक थाने में ही रहे। थाने से बाहर आने के बाद मलिक ने बयान दिया कि मौजूदा सरकार के तहत कुछ भी हो सकता है,
मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। इसके बाद ही यह झूठी खबर आग की तरफ फैल गई कि इंटरव्यू के बाद सत्यपाल मलिक को थाने पहुंचते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि सत्यपाल मलिक के गिरफ्तार की खबर पूरी तरीके से गलत थी, जिसका स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने भी खुद खंडन किया है। आपको बता दें कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस मामले में सीबीआई द्वारा फिर 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक से पूछताछ होनी है। बहरहाल इस घटना के बाद सत्यपाल मलिक ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि ये समन नहीं है, मैंने जो इंश्योरेंस यानी स्कीम कैंसिल की थी उसमें वे लोग यानी सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। मुझे बताया गया था कि इसमें 300 करोड़ रुपए का मामला शामिल था, मुझे नहीं पता था कि इसमें कौन शामिल था, तो मैंने कह दिया कि ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, इस स्कीम को ही कैंसिल कर दो। तो ये था सत्यपाल मलिक के गिरफ्तार न किए जाने की जानकारी, जिसे कथित गिरफ्तारी बताकर टीवी चैनल टीआरपी बटोरता रहा है। अब आपको सत्यपाल मलिक के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के उनके कद्दावर नेता बनने की कहानी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई साल 1946 को जन्मे सत्यपाल मलिक ने अपने सियासी सफर की शुरुआत लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर मेरठ के छात्र संघ चुनाव से की थी। जानकार बताते हैं कि मलिक को सक्रिय राजनीति में लाने का काम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किया था। सन 1974 में भारतीय क्रांति दल की टिकट पर मलिक ने बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ा और 28 साल की उम्र में यूपी विधानसभा पहुंच गए। फिर 7 साल बाद यानी 1980 में लोक दल पार्टी से राज्यसभा सदस्य हो गए। 4 साल लोक दल में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जिसके खिलाफ उन्होंने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा का पुरजोर विरोध किया और हवालात के चक्कर भी काटे थे। फिर 1987 में राजीव गांधी बोफोर्स की आंधी में घिर गए। देश में तब विपक्षियों का नारा था, गालों पर जो लाली है तोपों की दलाली है। राजीव गांधी के खिलाफ जब वीपी सिंह ने मोर्चा खोला, तब सत्यपाल मलिक ने वीपी सिंह को नैतिक समर्थन दे दिया। इस घटना के बाद सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस से अपना दामन हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लिया और एक नई जननायक पार्टी के नायक हो गए, जिसका सत्यपाल मलिक ने 1988 में जनता दल में विलय कर दिया। बहरहाल इसके बाद 1989 में वे यूपी के अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े और दिल्ली पहुंच गए। फिर 1996 का साल आया, मलिक ने इस बार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। फिर अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जिसमें उनकी हार हो गई। इस हार के 9 साल बाद यानी साल 2004 में सत्यपाल मलिक ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। भाजपा के ही टिकट पर वे फिर से बागपत से चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2005-2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। भाजपा में शामिल होने के महज मात्र 8 साल बाद ही यानी साल 2012 में ही वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव आ गया, मोदी एनडीए की तरफ से पीएम उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। बहुत जबरदस्त साल था भाजपा के लिए, भाजपा चुनाव जीत चुकी थी, मोदी प्रधानमंत्री हो चुके थे। सत्यपाल मलिक जो शुरुआती दिनों से जाट और किसान नेता के तौर पर खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं, को भाजपा ने 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया। फिर वे 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुए। फिर साल 2019 में उन्हें गोवा के राज्यपाल का दायित्व मिला और आखिर में साल 2020 में वे मेघालय के राज्यपाल पद से विमुक्त हो गए। तो ये कहानी थी उस नेता की, जिसकी वजह से कई बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, तो कई बार भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक गाहे बगाहे सुर्खियों में आ जाते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकाश। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।